नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको मेरी कल्पना चौधरी चैनल पे। तो मैं आज आ गई हूँ आपको अलग सी रेसिपी लेके। तो क्या है वो? फूल गोभी की रेसिपी। तो मैं पहले क्या कर लेती हूँ, कढ़ाई पे पानी ले लेती हूँ और इसको थोड़ी गर्म करके उस पर जो गोभी है वो मैंने धो के रखी थी उसको उबालनी है। ठीक है, तो देखिए मैंने उसको ढक देती हूँ अच्छे से और उसको ढक के उबाल लेती हूँ थोड़ी सी। उबालने से क्या होगी, जो गोभी है वो उसका जो गैस वगैरह है वो सब निकल जाएगी। ठीक है, देखिए तो मैं इसको गोभी की सब्ज़ी बनाने के लिए क्या क्या बन ले लेती हूँ मसाला। मैंने लहसुन, अदरक और जीरा और जो है मिर्च वो मैं ले लिया। ठीक है, तो देखिए मिर्च मैंने ले लिए इसको। ठीक है, अभी मैं साइड पर रखती हूँ और क्या करनी है, अभी जो गोभी है वो मेरी गोभी हो गई है तो इसको उठा लेनी है एक बर्तन पे। तो पहले मैं क्या कर लेती हूँ, इसको थोड़ी नार चढ़ लेती हूँ क्योंकि इसको इसके अंदर अगर कोई भी कीड़ा होगा तो निकल जाएगी अच्छे से। ठीक है, तो मैंने गैस बंद कर दिए। तो देखिए मैं अभी इसको जो गोभी है उसको क्या करना है, अभी उठा लेना है एक बर्तन पे। ठीक है, तो देखिए मैं उठा लेती हूँ। तो दोस्तों मैं एक मज़ेदार बात बतानी चाहती हूँ आपको। अभी मैं खाना बनाती हूँ लेकिन एक टाइम थी जब मैं खाना बना नहीं सकती थी, ये सच बात है, कुछ भी नहीं बना सकती थी। ठीक है, मैं जब भी खाना बनाती थी तब वो खाना देख के मेरे भाई को मालूम पड़ जाती थी कि इस खाने को मैंने बनाई है। ठीक है, क्योंकि मेरा जो खाना थी उस पर कभी नमक नहीं रहती थी, कभी हल्दी नहीं रहती थी, तो कभी जीरा नहीं रहती थी, ऐसी होती थी। तो मम्मी जब नहीं रहती थी तो ज़्यादातर दाल ही में बनाती थी। ठीक है, तो ऐसे ही मैं बनाती थी और मेरे भाई को देख के मालूम पड़ जाती थी कि ये मेरे बहन ने बनाई है। ठीक है, तो देखिए अभी क्या करनी है, इसको कढ़ाई पे मैंने तेल डाल दिए है और तेल गर्म भी हो गई है, मैं उस पर कोली भी दे दिए हूँ। ठीक है, देखिए उसको क्या करनी है, अच्छे से भाजनी है। ठीक है दोस्तों, एक बात मैं बताऊंगी कि जो भाई होती है ना घर में, और जब लड़कियों की शादी नहीं होती है जो भाई होती है उसको डांटती है, ठीक है, प्यार करती है, बहुत संभाल के रखती है, वो सब बहन के लिए बहुत ही सौभाग्यवान जो बहन है, लड़कियाँ है उसको ही मिलती है। ठीक है, तो मैं हुई हूँ, बहुत ही सौभाग्य है, मेरा चार भाई है जो मुझे बहुत प्यार करती थी। ठीक है, और जो मेरे पापा से भी बड़ के है और जो मेरा भाई है ठीक है, वो बहुत प्यार करती थी मुझको। ठीक है, देखिए जो गोभी है मैंने उसको भाज लिया। भाज लेने के लिए हल्दी और नमक दे दिया और उसको मसाला बना लिया, इसमें मसाला भी बना लिया मैंने। तो देखिए ये मेरा गोभी जो है भाजा हो रही है। ठीक है, तो अच्छे से मैं इसको नर लेती हूँ। देखिए मेरा जो गोभी है वो हो गई है। ठीक है, देखिए तो मैं इसको क्या कर लूँगी, अभी एक बर्तन पे उठा लूँगी। हाँ देखिए, ठीक है, हो गई है इसको। अभी मैंने आलू जो है उसको कट करके रखी है, मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी बनानी है तो मैंने कट करके रखी थी पहले से आलू को। ठीक है, एक बड़ा साइज़ करके, तो आप अपनी हिसाब से इसको लंबे आलू भी कट कर सकती है, लंबे लंबे करके मैंने उसको राउंड जैसी है काटी है। ठीक है, तो देखिए मैंने कढ़ाई पे तेल दे दिए और उस पर अभी प्याज जो है उसको अभी मुझे नहीं देना है, वो मैंने कट करके रखी है साइड पे। ठीक है, तो मैंने जो तेल है उस पर मैंने गर्म हो गई है उस पर मैंने आलू दे दिए। ठीक है, तो देखिए इसको आलू को भी क्या करनी है, भाजनी है। तो उस पर क्या क्या डालनी है, मुझे हल्दी और नमक दोनों ही डालनी है। ठीक है, देखिए मैं नमक दे देती हूँ, आप अपनी सब्ज़ी के हिसाब से नमक दे देना, अभी मैं हल्दी भी दे देती हूँ। ठीक है, तो इसको थोड़ी डाल लेती हूँ, इसको ढक के भाजनी है क्योंकि
गोभी मैंने उबाल के रखी है और भज भी लिए हैं, और आलू भी अगर ढक के नहीं भाजूंगी तो ये ज़्यादा जल्दी पकेगी नहीं, और क्या होगी मैं जब भी खाना बनाऊंगी तो मेरा गोभी पक जाएगी ज़्यादा और मेरा आलू जो है वो कच्चा रह जाएगी, इसीलिए मैंने आलू को ढक के भाज लेती हूँ। ठीक है, आलू को अच्छे से थोड़ी सी नर लेती हूँ और क्या करनी है थोड़ी सी उसको अच्छे से और भी भाजनी है। ठीक है, देखिए मैं इसको अभी ढक देती हूँ। ठीक है, अच्छे से ढक देती हूँ। अभी क्या हुआ, हाँ देखिए मेरा आलू जो है वो हो गई है, देखिए अच्छे से ब्राउन भी हो गई है, देखिए देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छे से हो गई है, थोड़ी पक भी गई है। ठीक है, तो इसको क्या करनी है अभी उठा देनी है एक बर्तन पे। हाँ मैं उठा लेती हूँ सब जो है आलू, और मैं साइड पे लहसुन अदरक और जो है मिर्च जीरा वो पेस्ट करके रखी है, और जो है प्याज उसे भी मैंने पेस्ट करके रखी है। तो अभी क्या करनी है इस कढ़ाई को, कढ़ाई पे थोड़ी सी तेल, तेल जो है अभी इस पे तो इसीलिए मुझे धोनी नहीं है इसको, थोड़ी सी तेल और डाल देनी है। तो देखिए मैंने इस पे तेल डाल दिए और इस पे मुझे देखिए मैं जो है जो दालचीनी वो मुझे नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरा जो बेटा है ना वो बहुत शरारत करती है, और कोई भी चीज़ मैं रखती हूँ तो उसको इधर से उधर उधर से इधर पूरे दिन ऐसे ही करती रहती है स्कूल से वापस आके। ठीक है, तो देखिए मुझे नहीं मिल रहा है, किधर गई दालचीनी, कोई बात नहीं मैं ढूंढ लेती हूँ थोड़ी सी। और दोस्तों मैं एक बता देती हूँ, बात बताती हूँ कि जो ये जो रेसिपी है आप उसको रेगुलर यूज़ करने के लिए बहुत ही सही है, क्योंकि आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है ये रेसिपी। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेगुलर यूज़ के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए मेरी मुझे मिल गई है मेरा दालचीनी, तो मैंने उसको डाल दिए तेल पे, और जो है मिर्च एक मिर्च मैंने इस पर अलग से डाल दिए, और जो तेज़पत्ता है उसको भी मैंने डाल दिए। ठीक है, उसको थोड़ी सी मैं डाल लेती हूँ, ब्राउन हो जाएंगी तो उसके बाद मैं उस पर जो प्याज है ऑनियन तो उसको मैंने पेस्ट करके रखी है वो मैं इस पर दे दूँगी। ठीक है, देखिए ऑनियन पेस्ट तो मैं उसको इस पर दे दूँगी। ठीक है, तो देखिए उसको थोड़ी सी और भी डाल लेती हूँ, तो क्या होगी उसको डालने से जो प्याज है उसको अच्छे से ब्राउन करनी है मुझे, इसीलिए उसको डालनी है थोड़ी सी। ठीक है, तो देखिए हो गई है, ये देखिए अच्छे से ब्राउन भी हो गई है। अभी क्या करनी है, जो मसाला मैंने पेस्ट करके रखी है तो उसको क्या करनी है इस पर दे देनी है। चलिए मैं दे देती हूँ, दे दिया अभी। ठीक है, जो मसाला मैंने एक देखिए वो जो मेरा सामने खिड़की है वो सब जो हवा आती है ना तो सब मेरे मुंह पे आ रही है तेल का जो भाव है, तो इसीलिए मैंने थोड़ी पानी डाल दिया इस पर। ठीक है, इसको क्या करनी है अभी इस पर हल्दी डालनी है, सब्जी के हिसाब से आप हल्दी डाल दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इस पर और नमक भी थोड़ी डालनी है सब्जी के हिसाब से। ठीक है, तो देखिए मैंने डाल दिया, और इसको क्या करनी है अभी थोड़ी पकानी है अच्छे से, तो देखिए मैं उसको पका लेती हूँ अच्छे से। ठीक है, देखिए मेरा जो बेटा है बहुत शरारत करती है, अभी मुझसे ऐसी कर रही है, बात करने नहीं दे रही है, कोई बात नहीं। देखिए जो गोभी है वो मैंने उस पर डाल दिए, मुझे आलू पहले नहीं डालनी है, गोभी वो डालनी है। ठीक है, क्योंकि मैं जो मसाला है उसको थोड़ी सी पानी दे के क्या करनी है पहले नार छड़ लेनी है और थोड़ी सी पकानी है, क्योंकि जो मसाला है वो अच्छे से उस पर चला जाए। ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ी पानी दे दिया। ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ी सी उसको डाल लेती हूँ, देखिए ये हो गई है अच्छे से, सिर्फ 2 मिनट के लिए आप ढक के रखिए इसको। ठीक है, चलिए हो गई है,
मैं उठा लिया उसको। अभी क्या करनी है, इसको थोड़ी सी हल्के से डाल के उस पर जो आलू है उसको मुझे दे देनी है। चलिए मैं दे दिए इसको, और क्या करनी है अभी इसको कसानी है, थोड़ी सी पकानी है। ठीक है, देखिए जो मसाला है वो पूरे आलू और गोभी पे आ जाएगी। आलू तो पहले से मैंने भज के रखी थी, इसीलिए आलू और गोभी की जो सेट है वो अच्छे से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। गोभी ज़्यादा पकेगी नहीं, ठीक है, इसीलिए मैंने कम उबाली है, कम ज़्यादा पकाया नहीं है गोभी को। ठीक है, चलिए हो गई है, मैं उस पर पानी दे देती हूँ। पानी दे दी, आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा, मैं तो उस रेगुलर यूज़ के लिए खाने के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ी पानी ज़्यादा दिए, ठीक है, क्योंकि मेरे घर पे तो काम होती है और मुझे खाना बनाने के टाइम भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए मैंने एक ही सब्ज़ी बनाई है, उसको थोड़ी सी पानी नहीं डालूँगी तो खाऊँगी कैसे, तो इसीलिए देखिए ये जो है सब्ज़ी मेरा अभी हो गई है। ठीक है, आलू भी पक गई है, क्योंकि पहले से मैंने उसको भाज के रखी थी इसीलिए जल्दी हो गई है। चलिए मेरा जो सब्ज़ी है हो गई है, मैंने उस पर कोरिएंडर जो लीफ है वो मैंने दे दिए, धनिया पत्ता, आप चाहे तो इस पर गर्म मसाला भी ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए ये जो मेरा रेसिपी है वो हो गई है, तो आप ज़रूर बताइए ये कैसी हुआ।